हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया कि आज मैं कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जी हाँ, चने की चटपटी मसालेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी एंड सिंपल है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। तो सबसे पहले यहाँ पे चना, आप देख सकते हो चने को मैंने अच्छे से धोकर 4 से 5 घंटा भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसे पानी से मैंने निकाल दिया है। तो आप इस तरीके से 4 से 5 घंटा भिगोकर और इस तरीके से चने को जो है पानी से निकाल के रख दीजिए। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले मैंने चना आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम टोप रखेंगे, टोप को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब टोप अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें ऐड करना है तेल। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 3 से 4 बड़े चम्मच जो है सरसों का तेल ले रही हूँ। अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे तेज़पत्ता। जी हाँ, तो सबसे पहले हम तेज़पत्ता यहाँ पर 2 से 3 तेज़पत्ता डाल देंगे। अब इसके बाद जो है मैंने 3 बड़े प्याज जो है अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था, पेस्ट बना लिया उसका। अब इसके अंदर डालकर अभी इसे अच्छे से हम चलाएंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, जिससे ये अच्छे से जो प्याज का कच्चापन है निकल जाए और कलर भी चेंज हो जाए। आप देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो गया है और अच्छे से मैंने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हींग और थोड़ा सा डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हींग डाल रही हूँ। अभी इसे भी अच्छे से हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अभी हमने जो है अदरक लहसुन और हींग को अच्छे से प्याज में भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। जी हाँ, तो टमाटर को अच्छे से मैंने 4 टमाटर लिए और मिक्सर में से अच्छे से पीस लिया है, मतलब इसकी प्यूरी बना ली, मतलब पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसे भी तो चलाएँगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो यहाँ पे ये सारे मसालों को हमें डाल लेना है और फिर मसालों को अच्छे से भूनना है और बीच बीच में ढक्कन हटा के हमें चेक भी करना, नहीं तो हमारे मसाले नहीं तो जल जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। यहाँ पर आप कोई भी गर्म मसाला यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद तीखा आप अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके चलाना है, जब तक ये मसाला ऑयल ना छूट जाए और पक ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अगर आप इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाते हो तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और उसकी ग्रेवी भी बहुत डार्क होती है। और आप देख सकते हो मैंने सब मसाले पीसे वाले ही लिए हैं, प्याज भी टमाटर भी। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनेगी। तो यहाँ पे ढक्कन हटा के देखते हैं मसाला पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मसाला अच्छे से पक गया है, साइड साइड में पूरा तेल आ गया है, मतलब अब हमारा मसाला रेडी यहाँ पे हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट हमें अच्छे से ढककर पकाने में लगा है फ्रेंड। अब इसके अंदर जो है उबले हुए चने, अभी हम चने को जो हमने 3 से 4 सीटी में मैंने उबाल दिया था, अभी ये उसके साथ मैंने आलू भी उबाला था। तो आलू को मैंने हाथों से मैश कर लिया है और इसके बाद ये चना उबला हुआ इसके अंदर हम डाल देंगे, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं डालूंगी पानी। तो अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे पानी डाल के मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, और जिससे इसे पकने के लिए हमें 4 से 5 मिनट छोड़ देना है, जिससे ये चना तो पक ही गया है, बस हमें इसे मसालों के साथ पकाना है। तो चलिए फिर अच्छे से मिक्स करके और इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए।
तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं। तो वाह, कितना प्यारा सा कलर आ गया और हमारी सब्जी जो है बनके रेडी हो गई है। ज़्यादा नहीं ग्रेवी मैंने लगाई है और ज़्यादा नहीं सूखी है, एकदम मीडियम में मैंने रखा। और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आ गया और ये सब्जी बन के यहाँ पर रेडी हो गई। गैस का फ्लेम बंद करके इसमें हम डालेंगे हरा धनिया बहुत सारा और मिक्स करेंगे। आप इसे रोटी पराठा या पूड़ी के साथ खाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई होप आप लोगों को मेरी यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए प्लीज़, बहुत सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आप देख सकते हो चटपटी मसालेदार चने की रेसिपी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। दिखने में भी बहुत ही लाजवाब और खाने में भी बहुत ही लाजवाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी सिंपल सी ये चने की मसालेदार चटपटी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए पे, थैंक यू सो मच।